बनाने वाले हैं चिली पटेटो कॉर्न। उसके लिए हमने चार आलू लिए हैं। आलू को हमने कस लिया है, देखिए इस तरीके से। अब हम आलू में डाल रहे हैं प्याज बारीक कटी हुई बिल्कुल, मिर्च, गरम मसाला और नमक, हींग भी डाला है। इन सभी को मिक्स कर लें अच्छे से। अब हम कॉर्न बनाने के लिए इस तरह की पनीर का इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से धो लें और चार हिस्सों में काट लें और फिर इस तरीके से कॉर्न बनाएं। हम इसमें टेप लगा देंगे इस तरीके से दोनों तरफ। अब इसको ऊपर वाले हिस्से को काट देंगे जो कि हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हम इसके चारों तरफ आलू लगाएंगे जो हमने स्टफिंग रेडी की थी, इससे अच्छे से लगाएं इस तरीके से चारों तरफ, देखिए इस तरीके से। अब इसको हम फ्रिज में कूल होने के लिए रख देंगे लगभग 4 घंटे के लिए। आपसे कोन ना बने तो आप इस तरीके से बाउल भी बना सकते हैं। अब इसके बीच में हम एक होल क्रिएट करेंगे, देखिए इस तरीके से। इसको चारों तरफ से ऐसे करेंगे जिससे एक होल क्रिएट हो जाता है इस तरीके से, देखिए हमारा बाउल तैयार है। अब इसमें हम फ्रिज में रख देंगे कूल होने के लिए। इतने हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें टमाटर को बीच में से इस तरीके से काटा है। हम मोमोज की चटनी बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से 4 कट लगाएंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल रहे हैं और साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें बॉईल कर लें अच्छे से जब तक टमाटर अपना छिलका छोड़ना ना शुरू कर दे, देखिए इस तरीके से। देखिए छिलका छोड़ना शुरू कर दिया है, अब उनको उतार लें। सभी छिलके उतारें टमाटर के और मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लें। हम चटनी को छोपेंगे, उसके लिए हमने तेल लिया है, साथ ही अदरक और लहसुन को भून लिया है और प्याज डाली है 1 छोटा कटा हुआ। अब इसमें हमने वो टमाटो प्यूरी डाली है जो हमने पीसी थी। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और गुड़, अगर गुड़ ना हो तो चीनी भी डाल सकते हैं, विनेगर यानी कि सिरका का भी 2 चम्मच लगभग। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें और एक खदके आने तक एक बार उबाल आए थोड़ा सा, और हमारी चटनी बनके देखो अच्छे से तैयार हो चुकी है। में हमें ब्रेड क्रम्स भी चाहिए, अगर आपके पास अगर ना हो तो आप रोटी को सुखा लें 1 दिन में धूप में, देखिए इस तरीके से क्रंची हो जाए, तो इसे पीस लें थोड़ा मोटा दरदरा सा पीसें इस तरीके से। अब हमने कॉर्न और बाउल निकाल लिए हैं फ्रिज में से। अब हम इसमें से अंदर से पनीर निकाल देंगे, थोड़ा सा इसे मिल्क लगा लेंगे यानी कि दूध अच्छे से, ताकि ब्रेड क्रम्स में अच्छे अच्छे से चिपक जाए, इसमें ऊपर नीचे और बीच में डालें, इसे निकाल दें जिससे अच्छे से लेयर लग जाए, आलू निकले ना तो फ्राई करते वक्त। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, देखिए बिल्कुल इस तरीके का कलर आना चाहिए उसमें। साथ ही बाउल को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, मिल्क लगा रहे हैं इसमें। अब हम इसमें आटा लगा रहे हैं, गेहूँ का आटा, जिससे निकले ना आलू। फिर से दूध लगा रहे हैं, अच्छे से डिप कर लें, और अब ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। 2 बार लगाएंगे इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स, इसको फ्राई कर लें। सर्व करने के लिए हमने सभी बाउल को, पोटैटो बाउल को ले लिया है। अब हम इस
उसमें चटनी रख रहे हैं मोमोज वाली जो हमने बनाई थी अभी। इस तरीके से सभी में रख लें। थोड़ी काम ज़्यादा हो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। वैसे तो क्रीम लगाएं, पर क्रीम ना हो तो मलाई भी लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और प्याज या लगाएं और पुदीना डेकोरेशन के लिए, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। देखिए बनके तैयार हो चुका, कितने अच्छे लग रहे हैं। कोन बनाने के लिए मोमोस चटनी लगाएं इस तरीके से, फिर से वैसे ही बिल्कुल सेम डेकोरेट करें। ये हमारा बनके